नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देते रहे। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार के आईपीएल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सबसे खराब टीम साबित होगी। आरसीबी ने अब तक खेले अपने सभी 6 मुकाबले गंवा दिए हैं। 3 मुकाबले में उसने कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन 3 मुकाबले में वह बुरी तरह से पस्त नजर आई। अब आरसीबी को अपने आने वाले 8 मैचों में से सभी जीतने होंगे, तभी वह प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल हो सकती है। दोस्तों, टीम की हार ने खिलाड़ियों को बुरी तरह से निराश कर दिया है। हर तरफ कप्तान की आलोचना की जा रही है, हर तरफ कप्तान कोहली पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आरसीबी के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने हार की कुछ वजहों को अपने लिखे एक कॉलम के जरिए सबके साथ साझा किया है। दोस्तों, उन्होंने क्षेत्र रक्षण में सुधार और सकारात्मक क्रिकेट खेलने की ओर ध्यान देने की जरूरत बताई है। दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज बल्लेबाज ने बताया कि जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हारने के बाद हम बस में चढ़ रहे थे, तब कोच गैरी क्रिस्टन ने पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तब मैंने स्वीकार किया था कि हमारे अभ्यास और रणनीति बनाने में कहीं कमी रह गई है। मैदान में हमारे एकजुट होकर खेलने में कमी नज़र आ रही है। हार की सबसे बड़ी वजह टीम का खराब क्षेत्र रक्षण है। कोई खिलाड़ी या गेंदबाज होता है या फिर बल्लेबाज होता है, उसे दोनों में से किसी एक में बेहतर होना पड़ता है। साथ ही बेहतर क्षेत्र रक्षक तो होना सभी खिलाड़ियों की पहली प्राथमिकता होती है। ज़्यादातर मौक़ों पर किसी भी टीम की स्थिति का अंदाज़ा उसके क्षेत्र रक्षण से लगाया जा सकता है। डिविलियर्स ने आगे बताया कि यही वो चीज़ है जहां पर हमसे लगातार चूक हो रही है। पिछले मैच में हमारा क्षेत्र रक्षण बेहद ख़राब रहा था। हम हर मैच में इतने मौके गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे डिविलियर्स ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने हर मैच में बड़े अंतर से हारा हो। कुछ मैच ऐसे रहे जिसमें अंतर सिर्फ नाम मात्र का ही था। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को हम उनके घर पर हरा सकते थे। अगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हमारे 20 रन और होते तो हम जरूर मैच नहीं हारते। हम 6 मैच से 3 मैच जीत कर बैठे होते। हमें सकारात्मक क्रिकेट खेलना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। दोस्तों, अगले मैच से पहले ये डिविलियर्स ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। आरसीबी के खिलाड़ियों को इसे सीख लेनी चाहिए और अगले मैच में अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा प्रदर्शन करके आरसीबी को जीत दिलानी चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।